नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि पंच से हम कैंडल को कैसे बुझाएं, कैसे चेक करें अपने पावर को। तो बने रहें इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, मैं इस चैनल में सिखाता हूं कराटे, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो जी हां दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिर हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक भाई का बहुत ही प्यारा कमेंट आया था। उन्होंने कमेंट किया था कि सर, हम अपने पंच में पावर कैसे लाएं, और हम जो कैंडल जो कि बहुत सारे मूवीज में और डेमोन्स्ट्रेशन में जो कि पंच से कैंडल बुझाते हैं उसका क्या ट्रिक है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा कि पंच में कैसे पावर आता है और पंच से हम लोग कैंडल को कैसे बुझाएं। दोस्तों सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, उसका मैं आप लोगों को ध्यान से ये वीडियोस को देखना दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अब मैंने कैंडल जला लिया है। देखो दोस्तों, जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन में करो, किसी को भी दिखाते हो, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी दोस्तों आप लोग इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हो। दोस्तों इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर आप लोग इस कैंडल को बुझाना चाहते हो तो दोस्तों आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको एक एक दिन में 100-100 पंच, 150-150 पंच आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो आपका इंटरनली पावर है, जो इसका स्पीड है, जो स्पीड से जो आपका विंड निकलेगा, जो हवा निकलेगा, उसी के आधार पे दोस्तों ये कैंडल बुझते हैं, राइट दोस्तों। तो इसका यही एक बहुत बड़ा ट्रिक है जो कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा बुझाने का। पांचों कैंडल जो कि मैं 5-6 जितना भी पंच करूँ, कितने पंच में ये बुझता है मैं ट्राई करूँगा। ये पांच कैंडल मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं एक साथ। जब प्रैक्टिस करोगे, पहले तो आप लोग कम से कम एक महीना हवा में प्रैक्टिस करोगे, यानी कि एयर में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, राइट। इस प्रकार से मतलब इतना फास्ट होना चाहिए आपका पंच कि पूछो मत, राइट। तो इसी प्रकार से आपको एवरीडे 1 मंथ तक आपको प्रैक्टिस करना है। पहले स्लोली स्लोली 5-6 दिन करोगे, फिर धीरे 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 फास्टनेस बनता जाएगा। उसके बाद आपको 5 कैंडल लगा लेना है, उसके बाद आपको अपनी स्पीड, अपनी पावर, और जिसमें से विंड निकल रहा है, जो हवा निकल रहा है, वो कितने तादाद पर निकल रहा है ताकि कैंडल आपका बुझ सके। तो राइट दोस्तों, जैसे कि मैंने 5 कैंडल लगाया है इसलिए ताकि मैं इसमें पंच मारूं, तो कितनी कैंडल्स बुझती हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके पंच का पावर पता चल जाए। जब वो कैंडल अकेला होगा तब आप लोग उसको बुझाओगे तो इजीली से वो बुझेगा, राइट दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट, राइट। तो ये आपका पोजीशन रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, जो इसका ब्लर कहना है, जो जल रहा है, इसको कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो इसी के आपके ऊपर फोकस करना है आपको, राइट। तो ये है और पंच एग्जैक्टली यहाँ पे होगा आपका, ये दिख रहा है इतना डिस्टेंस पे है। तो ये आपका पंच है, अभी मैं बुझाता हूँ इसमें, राइट दोस्तों। तो आपने देखा, इस टाइप से आपको कैंडल को बुझाना है, बहुत आसान तरीके से कैंडल बुझ जाएगा। बस आपको पावर लगाना है, फुल पावर, और कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, ये जो ये ब्लर हो रहे थे ना, जल रहे थे, यहाँ पे आपको पूरा पावर लगा के आपको पंच मारना है। पावर नहीं, जो यहाँ से विंड निकलता है ना हवा, पंच में जैसे हम मारते हैं ये, मारते हैं ये, तो इसमें हवा निकलता है दोस्तों, तो यही हवा से ही कैंडल बुझता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा मेथड है ये बुझाना, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। आप लोग इसको एवरीडे पंच प्रैक्टिस करो, 100 टाइम्स 200 टाइम्स, इसमें इतना पावर लेके आओ जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो ये तब भी पावर बनेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसमें से हवा क्रिएट होगा, राइट, और उसी के आधार पर कैंडल बुझेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।